वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सर्वनाश है। यह घटना घटित हुई है, जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है इसमें कहीं दो राय नहीं है। और किस प्रकार से एक 10 साल की बच्ची ने जाकर पुलिस स्टेशन पर अपना बयान दर्ज कराया था और उसके परिणाम स्वरूप FIR दर्ज हुई थी। लेकिन सचमुच में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत संबंधित पूरी बात सुन के उसके बाद आप बोलिए ना, तो मैं बैठ जाऊंगा। तो तुरंत उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और जो क्विक एक्शन हो सकता है वह वहां की सरकार ने क्विक एक्शन लेने का काम किया था। वहां का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जो सीधे इसके लिए रिस्पांसिबल होता है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया, और साथ ही साथ जो उस बाल सुधार गृह की जो संचालिका थी उस संचालिका को भी गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उसके हस्बैंड को भी गिरफ्तार करके जो है उसको जेल भेजने का काम किया है। लेकिन इस मामले की पूरी जांच कराने के लिए तह तक पहुंचा जा सके इसलिए सामान्य किसी अधिकारी से नहीं, जिले स्तर के अधिकारी से नहीं, बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल DG इस लेवल के दो अधिकारियों को नियुक्त किया है ताकि जो भी तथ्य हैं वो सामने आए। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि इसमें कोई भी जो अपराधी होगा वो बक्सा नहीं जाएगा। और साथ ही आप बैठिए, आप बैठिए, आप चिल्लाना नहीं। आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, केवल होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ओनली होम मिनिस्टर स्टेटमेंट विल गो, ओनली होम मिनिस्टर स्टेटमेंट विल गो ऑन रिकॉर्ड। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ, इस प्रकार की चाहे बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं संज्ञान में आई हैं इनको देखते हुए संबंधित मंत्रालय को मैं कहूंगा, मंत्री जी को भी मैं यह कहूंगा कि इस संबंध में आवश्यक एडवाइजरी सभी राज्यों को भेजी जाए ताकि जो भी बाल सुधार गृह इस प्रकार के चल रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो, ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद और शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद। श्री विजय चंद्र बर्मन, विजय चंद्र बर्मन। तो सुना आपने देवरिया की घटना जो लोकसभा में उठी, इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया देवरिया का कांड जो है वो बेहद शर्मनाक और दुखद है। साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार, योगी सरकार को बधाई दी कि योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई इस मामले में की है, जो संबंध अधिकारी हैं उन पर एक्शन लिया गया है और साथ ही हाई लेवल जांच इस मामले के लिए करवाने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया। इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार को बधाई दी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।